बहुत पैसा हम दे चुके हैं, इंद्रावास में पैसा भी दिए हैं। हाँ जी। सबसे बड़ी मूल समस्या है घर। आपको हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो घर है ये बिल्कुल पुआल का बना हुआ है। एक मिनट बाहर आ सकते हैं हम। नली में कीचड़ पानी है पूरा। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। क्या है माहौल कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं अमित दत्ता और आप देख रहे हैं आशीष न्यूज। आज हम पहुंचे हैं रांची लोकसभा क्षेत्र के सितुमडी गांव में और यहां पे हम जानेंगे जनताओं का राय चुनाव को लेकर। क्या है माहौल यहां पर और किस तरह की जनता यहां पर किस तरीके से यहां पे मतदाता सोच रहे हैं और इस बार क्या प्रोग्राम किए हैं, क्या यहां की समस्या है, इन तमाम सारी जानकारियों को लेने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर एक मतदाता है, इनसे पूछते हैं। देखिए यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, रोड का व्यवस्था नहीं है, रोड है तो बहुत कचरा है, यही सब। अच्छा, चुनावी माहौल किनका है अभी यहाँ पे? कांग्रेस है। कांग्रेस का है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग का जन समस्या जो है वो सबसे बड़ा जल और पानी का है। हाँ, जल और पानी तो का। इसका कोई विभागीय कार्यवाही यहाँ पे हुई है? नहीं, कुछ कुछ नहीं हुई है। कुछ नहीं हुई। अच्छा, इंदिरा आवास वगैरह आप लोग को यहाँ पे मिला? इंदिरा आवास तो यहाँ मिलवे नहीं किया है। नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो जैसे कि यहाँ पर मूलभूत समस्या देखने को मिल रही है, हम यहाँ पे बात करेंगे। आप लोग का क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? हमारे यहाँ का हमारे गरीब सब का लाल कार्ड नहीं, कोनो कार्ड नहीं, हमारे खाली ऐसे ही मैंने गरीब चला रही है, खाए पिए कर मार खाए खाए कर, हमारे कोनो मिलर नहीं है यहाँ लाइक सरकार बैठे लाइक राशन कार्ड भी नहीं, कोनो नहीं, खाली ग्रोथ ही खाती खेती वेती और ठेकान नहीं गया, दो चार पैसा लगा रहा है। आवास योजना वगैरह मिला है? कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है ना। पेंशन मिलता है? वो पेंशन पेंशन कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता है। बहुत बड़ा मोटा बैठा लगा। मूलभूत समस्याएं क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ कम से कम 60-65-70 हो गया है, उसका पेंशन नहीं मिल रहा है और राशन में भी प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ कुछ राशन छूटा है, कुछ को मिला है और क्या बोलेंगे, सब गरीबे हैं। चुनावी माहौल यहाँ पे क्या है? चुनावी माहौल, चुनावी माहौल तो क्या रहेगा अभी। कोई नेता वोट मारने के लिए आए कि नहीं अभी तक? भरता है। कौन कौन से नेता हैं अभी तक आपके पास वोट मांगने के लिए? वोट माने हम लोग काम करते जाते हैं तो अभी किसको बोल देंगे। अच्छा, तो कोई भी नेता अभी तक नहीं आए? ना। बात करते हैं यहाँ के इस गांव के युवाओं से और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है माहौल यहाँ पे चुनाव का। माहौल क्या है यहाँ पे, क्या किस तरह का माहौल है? बहुत ठीक चल रहा है यहाँ। देखिए पीछे उसी सब गड्ढा है, पानी है, वो सब नहीं बन रहा है, बहुत तकलीफ है इधर को। माहौल, चुनावी माहौल इस बार किनको यहाँ की जनता पसंद कर रही है? सितुमडी की जनता किसको पसंद कर रही है इस बार? धार तो किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस को। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है? ये रोड का क्या क्या समस्या है जो अभी तक नहीं हो पाया? पानी। हाँ, पानी इधर देखिए खेती बाड़ी तो बहुत कम चल रहा है ना, पानी का ऊपर इधर स्वर्ग का आशा है, पानी का साधन नहीं है। अच्छा, सबसे यही प्रॉब्लम है, इधर खेती भी नहीं ठीक हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मूलभूत समस्या बात कर रहे के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, आगे भी हम यहाँ के लोगों से मिलवाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे भी। यह समस्या तो बहुत है, पानी रोड फट सब का समस्या है, इंदिरावास इंदिरावास कोच नहीं मिली है हमारे सबके। और इस बार की जनता किसको इस बार चुन रही है आपके यहाँ की जनता? इस बार तो हम लोग कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे। इस वे पहली बार बीजेपी को देख चुके हैं, इस बार कांग्रेस को भी देंगे। तो बीजेपी का क्या क्या कार्य यहाँ पे हुआ है यहाँ सांसद के द्वारा? यहाँ सांसद के नाम पर कुछ काम नहीं हुआ है, विकास का कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ पर। मौजूदा सांसद एक बार आए थे कि नहीं आए? नहीं आए हैं यहाँ।
एक बार भी नहीं आए? नहीं आए। अच्छा, विकास का कार्य आप लोग के यहाँ क्षेत्र में कितना हुआ है? विकास का काम तो एको नहीं हुआ है, एक भी नहीं हुआ है। हाँ, जैसे कि हमारे बीच में एक होटल है और होटल के संचालक से भी बात करने का प्रयास करते हैं। इस बार चुनावी हाल क्या है यहाँ का? हम लोग उतना नहीं बोल पाएंगे, चुनाव के चक्कर में हम लोग नहीं रहते हैं, अपना काम करते हैं। जो समस्या है तो दिखिए रहा है, आप लोग को भी देखिए, यहाँ रोड सब खराब करके चल गया है बनाने वाला भी, यार वो सब गड्ढा हो गया रोड, देखिए पानी रह रहा है और चापाकल उपल खराब है, देखिए वो सब किसी को बोलने से भी नहीं सुनाई होता है। इधर जैसे कोई है ना जल सहैया, ये सब उन लोग का फंड में बोलता है, ये नहीं है पैसा वैसा, मुखिया तो वो सब बनबे नहीं कर रहा है, सब दिक्कत है इधर। और का राशन कार्ड वगैरह बना? नहीं, कुछ नहीं है हम लोग का। प्रधानमंत्री आवास योजना गांव में मिल रहा है किसी को? मिला है दो एगो, दो चार गो बस। जैसे कि अगला बस्ती इधर तमार तरफ घर में, जैसे एक गांव में एक ही बार 50 गो 100 गो आ रहा है, जैसे हम लोग का इधर नहीं हो रहा है। एक बार मैंने करीबन 8-10 गो हो गया है यहाँ। विकास का मेन मुद्दा इस बार क्या सोचकर आप लोग वोट दे रहे हैं? विकास का क्या ऐसा मुद्दा आप लोग इस पर सोचे हैं, किस मुद्दे को देखकर सोचे हैं और इस पर वोट करेंगे? देखिए हम लोग तो किसी मुद्दा में जाने से पहले हम लोग कुछ बोलने भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं। आदमी को जो जीतेगा वही अपना मनमानी करता है, उन लोग का जो आगे पीछे दो चार को घूमता है वही सब करता है। तो चुनाव में आप लोग का अधिकार, जिस अधिकार है जिसको मन करता है उसी को दे देते हैं, जो जीतने लायक रहता है उसी को, बेकार जाने नहीं देते हैं वोट। हमारे बीच में महिला भी है, उनसे पे बात करेंगे। क्या क्या समस्या है यहाँ पर? पानी नहीं है, नल और यहाँ गड्ढा है, पानी नहीं निकलता है, और क्या है यहाँ? तो सिंचाई का कुछ व्यवस्था वगैरह यहाँ पर कुछ है? व्यवस्था तो कुछ नहीं है। पानी का पीने का व्यवस्था यहाँ पे? व्यवस्था नहीं है पानी का भी, बहुत तकलीफ है पानी का भी। अधोज नहाना का पानी, उसका अन्ना धूल होता है, पीने का पानी धूल होता है, आसपास में नल नहीं है। विद्यालय है कि नहीं पास में? विद्यालय तो पास में है और नीचे है। अच्छा, पढ़ाई होती है वहाँ? हाँ ना, ही होती है पढ़ाई। टीचर वगैरह नहीं आते? हाँ, कब कब आती है, नहीं। देखिए विद्यालय में भी यहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है, कभी विद्यालय में शिक्षक आते हैं, कभी विद्यालय में शिक्षक नहीं आते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस गाँव का क्या हाल है। आप बने रहिए आशीष न्यूज में, अभी हम और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। हमारा क्या समस्या है? नहीं देखो तो सोलह बोला है, है? हाँ, नलकूप पानी नहीं भर रहा था भाई, वोट के देवी के देवी ये काम हमारे के गोरू से की देवी देखो हमारे जो भूख लगे पेटा खाज गई तो जो हमारे पेटा भर आई माने उके देवी लेके तब एक मुड़ा मिलता है मुड़ा और एक हमारे गाँव मुड़ा है पेंशन वाला पेंशन तोर के है कल परसों से पाई है दो चार आना नहीं तो कौन नहीं खे मुड़ा ली हलो नहीं पवा तेतरा दिन पेंशन नहीं पवा। हमारे पास कुछ युवा वर्ग भी है, हम उनसे बात करेंगे। रोड बनाए मगर नली नहीं बना यहाँ पे, पानी यहाँ पे पूरा जमा हो जाता है पीछे से सब में, बरसात के समय पूरा कीचड़ आ जाता है, चपाकल भी खराब है यहाँ, वो वाला चपाकल में पानी भी कम कम निकलता है, घर सब भी पूरा इंदिरा आवास भी नहीं मिल रहा है। हाँ, घर सब सब फट रहा है। अच्छा ठीक है, हमारे बीच एक महिला भी है, उनसे भी बात करते हैं। बताइए क्या क्या समस्या है? घर दुआर सब उधारा है, गिरत है, सितुमडी है सब देमु कह लगा हम दे लेख नहीं देते हैं नहीं जला कहती। पेयजल का व्यवस्था व्यवस्था है यहाँ पे? पीने का पानी की व्यवस्था है गाँव में? पानी की व्यवस्था है, जो दूर जाते हैं नदी सोतिया सूख जाए सब कहाँ नहा अभी के ये व्यवस्था नहीं कर दिले। अच्छा, इंदिरा आवास वगैरह मिलता है यहाँ का? नहीं, बहुत पैसा हम दे चुके हैं इंद्रावास में, पैसा भी दिए हैं आप? हाँ जन, लेकिन आपका इंद्रावास अभी तक नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, राशन वगैरह मिलता है कि नहीं आप? है? आपको राशन वगैरह मिलता है कि नहीं? राशन चार? हाँ? चार मिलता है। जैसे कि यह मूलभूत समस्याएं जो हैं वो खास करके यहाँ पे इंद्रावास, नाली, पेयजल व्यवस्था
ये सारी समस्या जो है आम देखने को मिल रही है यहाँ पर सिंतुमडी गांव में। हम जाने का प्रयास और लोगों से भी करेंगे, और भी यहाँ पे मतदाताएं मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या समस्या है। बने रहिए आशीष न्यूज से। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। यहाँ पर एक सितुमडी गांव के पास ही आए हैं अभी हम, और यहाँ पर हम एक सड़क दिखा रहे हैं जहाँ पर पानी जमी हुई है और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रास्ता का व्यवस्था यहाँ पर नहीं किया गया है। हमारे पास एक छोटू भाई है, इससे बात करते हैं। हाँ बताइए। हमारा गांव सितुमडी है, यहाँ पे समस्या है, यहाँ नली में कीचड़ पानी है, पूरा एकदम भर जाता है बरसात के समय, घर में पानी घुसता है, बरसात करता है ज़्यादा, तो कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, इस सब को बनाना है। तो कितने दिनों से ये पानी जमा हुआ है? यही बना है जब से रोड। अच्छा, तब से कितना दिन पहले से रोड बना है? 2-3 महीना हो गया रोड बन के। 2-3 महीना से ये पानी जमा हुआ है? हाँ। गड्ढा भी है इधर। इसी रोड के बगल में एक निवासी है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि कितनी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है जब वो यहाँ से निकलते हैं और पास करते हैं। ये जो नाली में जो पानी जमी हुई है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत समस्या है, यानी निकलने के समय तो दूसरा जगह जाना, गाड़ी भी नहीं निकलेगी इधर से ना, पैदल में चलना मुश्किल होता है। तो ये कोई किसी तरह से ऊपर से कुछ विभाग से कुछ मिला कुछ रोड वगैरह के लिए कुछ बात ऊपर तक में आप लोग कुछ किए बात? बात भी हुआ था, जैसे रोड भी बन रहा था उस समय भी बोल रहे थे कि यहाँ मिट्टी डालिए, तो डाला नहीं। इस बार चुनावी माहौल कैसा है आपके गाँव में? चुनावी माहौल तो दोनों का अभी चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस और भाजपा का। सितुमडी के जनता किसको इस बार सपोर्ट करेंगे? दोनों का ही करेगा यहाँ गांव में, देखिए ना, मतलब दोनों तरफ बात करता है तो क्या बोलिएगा, दोनों तरफ भर जाएगा यहाँ। हमारे बीच में एक दादी भी है, उनसे भी बात करते हैं। दादी ये बताइए कि ये जो आपका नाली है ये कितना दिन से? नाली ये जो आपका पानी जो जमा हुआ है ये कितने दिनों से? ये बंगलों से ही कौन है इसमें पानी जमा। और कितना समस्या होता है आप लोग को निकलने, बाहर घुसने निकलने में? कहाँ निकली पानी का? तभी जो देखिए इतने बनारस से फोन लेंगे डोभाई हो जाते, कहाँ निकली पानी का? नाली बना अभी तब ना निकली पानी का। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? देखो आपको, हाँ वृद्धा पेंशन मिलता है। इंदिरा आवास वगैरह कुछ आप लोग? नहीं कुछ नहीं, इंदिरा आवास कुछ नहीं मिला। इंदिरा आवास नहीं मिला? नहीं, यही तो अपना से बनाते माटी के घर। तो इस बार आप लोग किन को सपोर्ट करने वाले हैं, यहाँ की जनता आप लोग किन को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? जनता ठीक है, गोरी हले तो इंदिरा मसोना ही कोनो बास ना ही है, देखो माटी की उठाती घर तो माटी तो सिर्फ की नाम लिया किन को नहीं बनाती पार्विक तो भरोसा नहीं खेता तब बोले हुई तो नाली के बना करा सब भाई गोटाई नाला तो घर देखी माटी घर बनाती पानी मारल तो धसी जाई है तबे जे दोसी जाई तो नाला से बनाए दो होली होला। सितुमडी की जनता जो है ये खास करके कह रही है कि यहाँ पर सबसे बड़ी मूल समस्या है घर। आपको हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो घर है ये बिल्कुल पुआल का बना हुआ है, और जैसे कि ये मिट्टी भी इससे साथ जुड़ी हुई है। आपको हम दिखा सकते हैं कि ये जो दरवाज़ा है इनका घर का ये कितना छोटा है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक महिला है जो रह रही है, हम प्रयास करेंगे आपसे भी बात करने का। एक मिनट बाहर आ सकते हैं आप? ये घर में आप लोग कितने दिनों से हैं? 3 साल हो रहा है। 3 साल हो रहा है। किसी प्रकार का इंदिरा आवास वगैरह या मोदी आवास वगैरह कुछ? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है नहीं। बरसात के दिनों में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? बहुत ही होते हैं। तो इस बार आप लोग चुनाव में इस बार किनको सपोर्ट करने वाले हैं? देख रहे हैं बोलते कोई, जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप इस बात से कि यहाँ पे जो घर है इस घर से ये स्थिति जो ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा है कि बरसात में ऐसा भी हो सकता है कि ये घर ढह जाए। तो आप समझ सकते हैं कि विकास का सितुमडी गाँव में क्या विकास हुआ है।
और घर का भी देखिए पुआल ही पुआल है। मोदी तो बोलता है नहीं घर ऐसा देंगे, 2000 तो पूरा देंगे, क्या करें हमको क्या पता है उस समय है। देखिए गांव में घूमिए, घूम के देखिए नहीं हाल ठीक है कि नहीं, बेहाल है, रोड में कितना तकलीफ में लोग गुजर रहा है। खाली मेरा हमारा आने जाने के लिए खाली अभी ठीक है, लेकिन गोले कुचा जब महिला देखिए तो बहुत दयनीय है। यहाँ गरीबी रेखा से ही नीचे हैं। यहाँ इस बार मतदाता मतदान का प्रयोग करेंगे, इस बार एक नई सरकार को चुनने का प्रयास करेंगे, तो इस विषय में सितुमडी गांव की जनता क्या सोचती है, इस बार किनको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो लगता है लगभग दोनों में ही, कांग्रेस और बीजेपी में ही, लेकिन ज़्यादातर लगता है कि बीजेपी को और एक बार देखेंगे। अच्छा, यही है, यही सबका मुँह में सुनना है कि वोट दोनों में गिरेगा, लेकिन हमको मेरे और उम्मीद से लग रहा है कि बीजेपी को ज़्यादा गिरेगा। मोदी को एक बार देखेंगे, कांग्रेस तो बहुत दिन राज किया, लेकिन इसको कम से कम 10 साल 5 साल और, तो इस बार आप लोग बीजेपी को देखकर ही, बीजेपी मतलब मोदी को ही देखकर इस बार वोट करने वाले हैं? हाँ अधिकतर। आपके सांसद अभी कौन खड़े हुए हैं बीजेपी से? बीजेपी से भी खड़े हैं संजय सेठ। संजय सेठ ठीक है। वो क्या आए आप लोग के क्षेत्र में, कोई नेता वगैरह आए? एक बार आए हैं, काल परसों आए थे यहाँ लंदुबली, इधर से ही थी तुम भी उससे गुजरे हूँ उधर, तो उसको देख के नहीं, मोदी को देख के बोल रहा है कि मोदी को और एक बार देख रहे हैं कि कुछ न कुछ डिजिटल काम तो मोदी किया है, लेकिन जितना बोला उतना नहीं किया है। इसे बोला है कि सबको इंदिरा आवास, लेकिन उस सबका भी तो सक्सेस पूरा नहीं हो पाया है। जैसे कि हमारे बीच में कुछ युवा वर्ग भी, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। नाली सबसे ज्यादा तो नाली का प्रॉब्लम है, कहे कि यहाँ पर नाली ना होने के कारण रोड जाम हो जा रही है, इसीलिए इस जगह पर अगर रोड बन रही है तो रोड के जगह पर उसका नाली भी बनना बहुत जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हुई नाली का ही है। नाली का कोला कुचा गोली का प्लस कहीं पर अगर रोड है अगर रोड बन जा रहा है तो वहाँ पर नाली नहीं बन पा रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं रोड पर पानी जाम हो जा रहा है, इसीलिए पानी जाम होने के कारण वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रहा है, इसीलिए नाली बनना बहुत जरूरी है। और प्लस गोला कुचा जो है सब गांव की जनता क्या चाहती है? वही सब चाहते हैं, रोड है तो वोट है, रोड है तो वोट है जी, वोट है, नाली है तो ठीक है, नहीं है रोड है तो वोट है, वोट है। इनका कहना है कि रोड मिलेंगी और सड़क नाली की यदि व्यवस्था होंगी तो वोट भी मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि आशीष न्यूज के माध्यम से आप सभी का जो जन समस्याएं हैं वो हमारे सांसद तक पहुंचे और आप लोग का निराकरण हो। बने रहिए आशीष न्यूज में, कैमरामैन अनुज के साथ मैं अमित दत्ता। सारे काम छोड़